ज्ञान गठरी में आपका स्वागत है। अनमोल भजनों और रोचक जानकारी का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। आप सभी भक्तों का ज्ञान गठरी चैनल में स्वागत है। अब मैं आपके सामने कार्तिक मास की आगे की कथा कहने जा रही हूँ। बोलो शालिग्राम भगवान की जय, तुलसी माता की जय। इधर वृंदा ने सपन देखा कि उसका पति सारे शरीर में तेल लगाकर भैंस पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर प्रेतों के साथ जा रहा है। यह सपन देख उसे बड़ी चिंता हुई और अटारी तथा गौशाला कहीं भी उसे विश्राम नहीं मिला। तब वह एक वन से दूसरे वन में चली गई। वहाँ वृंदा ने सिंह जैसे मुख वाले दो राक्षस देखे। उन्हें देखते ही वह डर के मारे भागी। आगे जाकर उसने शिष्य सहित एक तपस्वी मुनि को देखा और उनसे अपनी रक्षा के लिए कहा। उसकी प्रार्थना पर मुनि ने उसकी एक हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। तत्पश्चात वृंदा ने मुनि से विनयपूर्वक कहा, महाराज मेरे पति जलंधर तथा महादेव जी में घोर युद्ध हो रहा है, उसमें किसकी विजय होगी, कृपा करके बताइए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। यह सुनकर मुनि ने ऊपर देखा। उसी समय दो बंदरों ने आकर मुनि को प्रणाम किया और मुनि के संकेत पर वे दोनों बंदर वहां से चले गए। फिर थोड़ी देर बाद वे दोनों आकाश की ओर से आए और उन्होंने वहां जलंधर दत्त का सिर और धड़ लाकर फेंक दिया। वृंदा अपने पति के मृत शरीर को देखकर बहुत दुखी हुई और रोने लगी। तत्पश्चात मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। मुनि ने अपने कमंडल से उस पर जल छिड़का तो उसे कुछ चेतना आई। तब वह पुनः विलाप करती हुई बोली, महाराज जिसने देव गंधर्व और विष्णु सहित तीनों लोकों को जीत लिया वह शिव के हाथ से कैसे मारा गया। हे मुनि आप बड़े सामर्थ्यवान हैं, किसी प्रकार मेरे पति को फिर से जीवित कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे, शिव के हाथ से मारे हुए को कौन जीवित कर सकता है, परंतु फिर भी तुम पर कृपा करके हम उसको जीवित कर देते हैं। ऐसा कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए और जलंधर जीवित होकर वृंदा के साथ प्रेम लाभ करता हुआ आलिंगन व्रत को हो गया। वृंदा भी अपने पति के वेश में विष्णु के साथ वन में रमण करती रही, परंतु एक दिन अपने पति के वेश में विष्णु को पहचान गई। वह अत्यंत क्रोधित हुई और श्राप देती हुई बोली, तुमने मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट किया है, इसलिए मैं तुमको श्राप देती हूँ। निश्चय वह कपट मुनि तुम ही थे और तुमने जो दो राक्षस कपट के बनाए थे वही कालांतर में तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे और जो तुम्हारा शिष्य था वह बंदर रूप धारण कर तुम्हारी सहायता करेगा। फिर कहा कि तुम शिला हो जाओ। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, भगवान विष्णु ने देवताओं तथा अपने भक्तों के कार्य के लिए पतिव्रता वृंदा का यद्यपि शील हर लिया, परंतु वे मन ही मन अत्यंत दुखी हुए और बोले, हे वृंदा मैंने तुम्हारे श्राप को ग्रहण किया, अतः मैं अवश्य शिला रूप में हो जाऊंगा, परंतु तुम भी वृक्ष रूप होकर मुझको मिलोगी। उसी समय वृंदा अपने पति के चरणों का ध्यान करके विष्णु के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई और विष्णु वृंदा का स्मरण करके उसकी चिता की भस्म में लौटने लगे। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, उधर युद्ध में जलंधर दैत्य ने शिव जी को अति बलवान समझकर राक्षसी माया से पार्वती बनाई और उन्हें मारने लगा। उसकी इस माया को देखकर शिव जी नीचे को मुख करके बैठ गए। तभी अच्छा अवसर देखकर जलंधर ने अनेक बाण शिव जी को मारे। इस प्रकार शिव को संकट में ग्रसित देखकर विष्णु भगवान वहां पर आए और शिव जी को राक्षसी माया का ज्ञान कराया। तब शिव जी बड़े भयंकर वेग से राक्षसों को मारने लगे। शिव जी की तीक्ष्ण बाण वर्षा के आगे शुभ और निशुभ भी न ठहर सके और वह युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। तब शिव जी ने उनको श्राप दिया, तुम युद्ध क्षेत्र से भाग गए हो, इसलिए पार्वती के हाथ से मारे जाओगे। उधर जिस समय वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ तभी जलंधर का बल समाप्त हो गया। ठीक इसी समय विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र अपने तेज सहित शिव को दिया। फिर शिव जी ने अपना ऋषियों का पतिव्रता स्त्रियों का तथा ब्रह्मा जी का तेज उसमें जोड़कर जलंधर दैत्य पर छोड़ दिया।
जिससे उसका सिर कटकर भूमि पर गिर गया। सिर और धड़ अलग होते ही जलंधर का तेज उसके शरीर से निकल श्री शिव जी में तथा वृंदा का तेज श्री पार्वती जी में समा गया। उधर विष्णु वृंदा की चिता में लौटने लगे, तब सब देवताओं ने शिव जी की स्तुति की और कहा, महाराज जलंधर को मारकर आपने देवताओं का बड़ा उपकार किया है, परंतु एक बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है, कृपा करके उसका भी कुछ उपाय कीजिए। भगवान विष्णु वृंदा के पतिव्रत धर्म से मोहित होकर लगातार उसकी चिता भस्म पर लौट रहे हैं और किसी प्रकार का विश्राम नहीं कर रहे हैं। तब शिव जी ने कहा, हे देवताओं, तुम सब भगवान की योग माया की शरण में जाओ, वहीं सब संकट हरेगी। तब सारे देवता योग माया की शरण में जाकर उनकी स्तुति करते हुए बोले, हे देवी, आप सारे जगत को उत्पन्न करने वाली, पालन तथा नाश करने वाली हो, सतोगुण रजोगुण तमोगुण तुमने ही उत्पन्न हुए हैं, ऐसी प्रकृति देवी को हमारा नमस्कार है। तुम्हारी माया को ब्रह्मादिक देवता भी नहीं जानते हैं, उस देवी को हमारा नमस्कार है जिसके भक्तगण अनादर तथा मोह को प्राप्त नहीं होते, ऐसी मूल प्रकृति को हमारा नमस्कार है। उस समय देवताओं ने एक तेज देखा और आकाशवाणी सुनी कि गौरी लक्ष्मी और सरस्वती रजोगुण सतोगुण तमोगुण रूप में मैं ही हूँ, वही तीनों तुम्हारा कार्य सिद्ध करेंगी, उन देवियों की तुम आराधना करो। फिर उन तीनों देवियों ने प्रकट होकर तीन बीज दिए और कहा कि इन तीनों बीजों को जहाँ पर विष्णु है जाकर बो दो और अपना कार्य सिद्ध करो। देवताओं ने तीनों बीज ले जाकर जहाँ पर वृंदा की चिता पर भगवान विष्णु लौट रहे थे जाकर बो दिए। उन बीजों से तीन वृक्ष उत्पन्न हुए, रजोगुण सरस्वती से आंवला, तमोगुण गौरी से तुलसी और सतोगुण लक्ष्मी से मालती हुई। श्री लक्ष्मी जी ने अपना बीज ईर्ष्या युक्त होकर दिया था, इसलिए मालती भगवान जी को पूजा में निंदित और तथा आंवला और तुलसी भगवान जी को अति प्रिय हुई। इस प्रकार वृंदा ने वृक्ष रूप होकर भगवान शालिग्राम से संयोग किया। इसी कारण कार्तिक के उद्यापन में भगवान की पूजा तुलसी के मूल में होती है। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है उसमें यमदूत कभी नहीं जाते, इसलिए जो तुलसी का वृक्ष घर में लगाते हैं वे यमपुरी नहीं देखते। नर्मदा तथा गंगा का जल और तुलसी का पूजन, यह तीनों कार्य बराबर हैं। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, परंतु मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी सहित निकल जाते हैं वह पापों से मुक्त होकर भगवान के बैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी तथा आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य आंवले का फल तथा मंजरी युक्त तुलसी दल मुख में रखता है वह साक्षात विष्णु के समान है। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले की छाया में भोजन करता है तथा रुद्राक्ष की माला धारण करता है उसके धर्म अर्थ काम और मोक्ष सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, तुलसी आंवले का महात्म ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ हैं। जो कोई इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है वह भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। बोलो तुलसी माता की जय। आगे की कथा हम आपको कल कहेंगे। बोलो कार्तिक महात्म की जय। शालिग्राम भगवान की जय।